हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 50 प्लस एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी को वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में सहायता करेगा। जैसा कि हम देख रहे होंगे कि पिन कोड पहली बार भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक भारत के कितने प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज इंप्लीमेंट किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पहली बार विद्युत की आपूर्ति कहाँ की गई थी। इसका आंसर बी सही है, दार्जिलिंग में पहली बार विद्युत की आपूर्ति की गई थी 1897 ईस्वी में, और दार्जिलिंग के सिंद्रापोंग में एक चाय बागान के पास में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग करेंसीज द कॉस्टलीएस्ट, निम्नलिखित में दिए गए कौन सा करेंसी सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी है या महंगा करेंसी है। तो इसका आंसर डी सही है, कुवैती दिनार ये सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट करेंसी है, और 1 कुवैती दिनार अगर होता है इंडियन रुपये में बात करें तो 245 रुपीज। और वर्ल्ड के टॉप 5 करेंसी देखते हैं जो सबसे कॉस्टलीस्ट है, तो कुवैती दिनार या वर्ल्ड का टॉप में आता है फर्स्ट नंबर में। देख सकते हैं बात करें कॉस्टलीस्ट करेंसी तो बरेन दिनार आता है, जिसका 1 दिनार इक्वल होता है 195 रुपये। देन थर्ड में ओमन रियाल आता है, यदि 1 रियाल की बात करें तो 191 रुपये आता है। और फोर्थ नंबर में जॉर्डन दिनार आता है, यदि जॉर्डन दिनार का बात करें तो 1 दिनार इक्वल होता है 104 रुपया। और फिफ्थ नंबर में ब्रिटिश पाउंड आता है, 1 पाउंड इक्वल होता है 101 रुपया। तो ये वर्ल्ड के फिफ्थ कॉस्टलीस्ट करेंसी है जो सबसे महंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका आंसर डी सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 449 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 5 अपेंडिक्स एंड 104 बार संशोधन हुआ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड हैं तो ये भी देख लेते हैं, 101,46,385 वर्ड हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि विश्व के सबसे छोटे से या कम लिखित संविधान की बात करें तो मोनाको आता है, ये मोनाको यूरोप में स्थित है, और मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 3,814 वर्ष का है, और ये एक यूरोपियन कंट्री है जो मेडिटेरियन सी के साउथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर बी सही है, सर सिद्ध देशमुख जो भारतीय पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले गवर्नर बात करें, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो सर ओसवर्नी स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और पहले इंडियन सिद्ध देशमुख थे। और यदि आरबीआई के बात करें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे, तो सर वेणुगोपाल रामैया ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे। और शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे, तो अमिताभ घोष, से इनका 20 दिन का कार्यकाल था, तो ये सबसे कम बिताने वाले गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया इज लोकेटेड इन विच ओशन, डिएगो गार्सिया किस ओशन में स्थित है। तो इसका आंसर ए सही, इंडियन ओशन में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर डी सही है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। और यूएन का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फॉरन नेशनल टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न किस विदेशी ने सबसे पहले रिसीव किया था या प्राप्त किया था। तो इसका आंसर ए सही है, खान गफूर गफार खान, ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न, भारत के कितने प्रधानमंत्री को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है, 7 को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया। वो भी देख लेते हैं कौन कौन प्राइम मिनिस्टर को कब सम्मानित किया गया था। तो पहले नंबर में जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जिनको 1955 में सम्मानित किया गया था। देन सेकेंड नंबर में लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, जिनको 1966 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। देन थर्ड नंबर में इंदिरा गांधी आती है, जिनको 1971 में सम्मानित किया गया था। देन फोर्थ नंबर में आता है राजीव गांधी, जिनको 1991 में सम्मानित किया गया था। देन फिफ्थ नंबर में मोरारजी देसाई आते हैं, जिनको 1991 में सम्मानित किया गया था। देन सिक्स नंबर में गुलजारीलाल नंदा जी आते हैं, जिनको 1997 में सम्मानित किया गया था। देन लास्ट सेवंथ बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, जिनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 7 प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जिनको भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सी वी रमन, सी हरि, डी आर ऑफ द ऑफ। तो इसका आंसर डी सही, आर ऑफ द, सभी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर नाइट एंड डे आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर, सालों भर दिन और रात कहाँ बराबर होता है। तो इसका आंसर ए सही है, इक्वेटर पर दिन और रात सालों भर बराबर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द गल्फ ऑफ मेक्सिको वर्ल्ड फेमस। गल्फ ऑफ मेक्सिको विश्व फेमस क्यों है? इसका आंसर डी सही है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के कारण गल्फ ऑफ मेक्सिको विश्व फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज श्रीलंका डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। श्रीलंका अपने आप को स्वतंत्र कब घोषित किया था? तो इसका आंसर बी सही है, 1947 में, 4 फरवरी 1947 में श्रीलंका अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था? तो इसका आंसर डी सही है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन स्टेट्स इंडिया वेयर एडमिनिस्ट्रेट। आपसे पूछ रहा है कि भारत के भारतीय राज्य प्रशासित हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर बी सही है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित हैं भारत के यूनियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर डी सही है, सिंदरी में, सिंदरी जो झारखंड में, यहाँ पर पहला फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था। और कब? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज मेनली डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहा है? तो इसका आंसर ए सही है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय या नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनस साक इज फेमस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर विच डिजीज। जोनस साक ये किस बीमारी के वैक्सीन के विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो इसका आंसर ए सही है, पोलियो वैक्सीन को विकसित करने के लिए जोनस साक सबसे ज़्यादा फेमस है। और कब पोलियो को विकसित हुआ था? तो अप्रोक्स 1955 के आसपास पोलियो का विकसित हुआ था, पोलियो वैक्सीन का। और वर्ल्ड पोलियो डे हम कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे डील करता है? तो इसका आंसर ए सही, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे दल बदल कानून भी कहते हैं, इससे संबंधित है। भारत में वोट देने का एज 21 से 18 किस संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संशोधन या अमेंडमेंट जो 1988 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो इसका आंसर बी सही है, 6 हैं। और 6 कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो फर्स्ट नंबर में द राइट टू इक्वालिटी आता है, जो आर्टिकल 14 से 18 में है। और नेक्स्ट है द राइट टू फ्रीडम, जो 1922 में है आर्टिकल। देन थर्ड नंबर में द राइट टू एक्सप्लोटेशन आता है, जो 23 से 24 के बीच में है। देन फोर्थ नंबर में द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। देन फिफ्थ नंबर में आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जो 29 से 30 आर्टिकल के बीच में आता है। देन सिक्स नंबर में आता है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडोज, जो आर्टिकल 32 के बीच में आता है। तो ये फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीजन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाई द रियल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर डी सही है, महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भारत में किस राज्य सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था? तो इसका आंसर डी सही, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था। और कब? तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। भारत की पहली कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइम की थी? इसका आंसर ए सही है, बचेंद्री पाल, ये भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी, पहली बार चढ़ाई की थी। और कब? तो 23 मई 1984 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पोस्ट स्टैम्प डज नॉट हैव दैट कंट्री नेम। किस कंट्री के डाक टिकट पे उस देश का नाम नहीं होता है? तो इसका आंसर डी सही है, UK के डाक टिकट पर यूनाइटेड किंगडम का नाम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट ऑफ इंडियन लैंड। भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट ये कहाँ है? तो इसका आंसर सी सही है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है ये इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को हम पैगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। ये भारत के मेन लैंड का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में। और अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के मेन भूमि से 1458 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस। ओलंपिक गेम्स सबसे पहले किस शहर में खेला गया था? तो इसका आंसर बी सही है, एथेंस ग्रीस, जो ग्रीस में है, सबसे पहले यहाँ पे ओलंपिक गेम खेला गया था। और कब? तो 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच है द लार्जेस्ट एरिया।
भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे बड़ा एरिया या क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर ए सही है, चाइना। चाइना का एरिया अप्रोक्स 9.59 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यह सबसे बड़ा एरिया है भारत के पड़ोसी देश में। वर्ल्ड में बात करें तो चाइना का तीसरा नंबर में आता है और एशिया में फर्स्ट नंबर में आता है। यह क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पिन कोड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पिन कोड पहली बार कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर बी सही है, 15 अगस्त 1972 में पिन कोड भारत में पहली बार पेश किया गया था। और पिन कोड का फॉर्म क्या आता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये पिन कोड का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? में भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर सी सही है, जून 1991 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च इन इंडिया? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर बी सही है, 1966 से 1967 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो इसका आंसर बी सही है, 5 रिंग होते हैं। और कौन कौन कलर के होते हैं ये भी देख लेते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन और रेड, ये 5 कलर होते हैं। और ये किस किस कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं? तो एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन एंड ओशियनिका और यूरोप, ये 5 कॉन्टिनेंट। अमेरिका, अमेरिका में 2 आ जाते हैं साउथ और नॉर्थ, दोनों अमेरिका आ जाते हैं, तो ये 5 कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन लोकसभा इन इंडिया? भारत के लोकसभा में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका आंसर सी चाहिए, 1951 से 1952 के बीच में पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज? पोर्तुगीज से गोवा कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर सी सही है, 1961 में गोवा पोर्तुगीज से अलग हुआ था। और पोर्तुगीज ऐसे हैं जो भारत में सबसे पहले आए थे और भारत में सबसे पीछे भी गए थे। ठीक है, ये भी पूछता है कि सबसे पहले फ़ौरन कौन आया था? तो पोर्तुगीज। और सबसे बाद में भी जाने वाले कौन फ़ौरन है? तो पोर्तुगीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर डे इन इंडिया? भारत में हम शिक्षक दिवस किस लीडर के जन्म तिथि पर मनाते हैं? तो इसका आंसर सी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णा के बर्थडे पर हम टीचर्स डे मनाते हैं या शिक्षक दिवस। और सर्वपल्ली राधाकृष्णा ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सबसे पहले इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था और इनके बर्थडे पर हम टीचर डे सेलेक्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्ड? सार्क का आयोजित सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर डी सही है, ढाका में। ये बांग्लादेश का कैपिटल है, यहाँ पर सबसे पहली बार फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया गया था। कब? तो 8 दिसंबर 1985 में। और सार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसका हेल्प सबसे पहली बार ढाका बांग्लादेश में किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनियन टेरेटरी? निम्नलिखित में दिया गया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर सी सही है, नागालैंड ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्योंकि ये एक स्टेट है और ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट? दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का आर्टिकल केंद्र सरकार एक नया राज्य बना सकती है? तो इसका आंसर सी से आर्टिकल 3, ये केंद्र सरकार इसके तहत नया एक राज्य बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द RBI नेशनलाइज? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर सी, इसका आंसर बी सही है, 1949 में RBI का नेशनलाइज हुआ था। और उस समय कौन गवर्नर थे? तो CD देशमुख RBI के गवर्नर था, ये पहले गवर्नर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ODI कैप्टन फॉर इंडिया? इंडिया के लिए पहले ODI कैप्टन कौन थे? तो इसका आंसर सी सही है, अजीत वाडेकर, ये पहले इंडियन कैप्टन थे ODI के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड? भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर सी सही है, 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। और कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच ये चली थी सबसे पहली ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाई फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया? भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी उसका ट्रेवल डिस्टेंस या यात्रा दूरी कितना था? इसका आंसर बी सही है, 34 किलोमीटर था भारत की पहली ट्रेन की डिस्टेंस ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रेल लाइंस? रेल नेटवर्क के अनुसार भारतीय रेलवे का लंबाई विश्व में कौन से स्थान पर आता है? तो इसका आंसर बी सही है, 4th नंबर में आता है। और भारतीय रेलवे का लंबाई कितना है या लेंथ कितना है? तो 67,956 किलोमीटर है। और विश्व में पहले नंबर पर कौन देश का आता है रेल नेटवर्क? तो फर्स्ट में USA का आता है, देन सेकेंड में चाइना का आता है, देन थर्ड में रशिया का आता है, देन फोर्थ में अपना भारत है, देन 5th नंबर में कनाडा का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी? अरेबियन सी में
दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरेबियन सी में है? इसका आंसर बी सही है, लक्षद्वीप ये अरेबियन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? कौन सा आर्टिकल प्रत्येक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटी के लिए स्पेसिफाई करता है? तो इसका आंसर डी सही है, आर्टिकल 51A ये प्रत्येक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटी के लिए स्पेसिफाई करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाना नेशनल पार्क इन विच स्टेट? पाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर डी सही है, मध्य प्रदेश में पाना नेशनल पार्क है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में या मानव में कितने प्रकार के टीथ या दांत होते हैं? तो इसका आंसर सी सही है, चार प्रकार के दांत होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित दिया गया कौन सा इंस्टीट्यूशन ब्रिटन वुड्स नहीं है? तो इसका आंसर डी सही है, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक? निम्नलिखित दिया गया हम किसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं? तो इसका आंसर ये डी सही है, AIIB RD को भी हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और AIIB RD का फुल फॉर्म होता है इंटरनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्ल्ड बैंक के पांच ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन हैं? तो IBRD, IDA, IFC, MIGA और नेक्स्ट है ICSID, ये पांच ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? कंट्री के पहले फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन थे? तो इसका आंसर सी सही है, अटॉर्नी जनरल ये पहले लॉ ऑफिसर थे। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। यदि आप कोई बुक भी खरीदना चाहते हैं जैसे एप्टीट्यूड डिजिटल थ्योरी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।